हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल पे क्रिकेट और अब आशीष शाटी। और आज मैं कुछ नया लेके आया हूँ। मेरे हाथ में क्या है गाइस? ब्लैक वाटर, ब्लैक ड्रिंकिंग वाटर है। ये ब्लैक वाटर, काला पानी, ये क्या है गाइस? सबसे पहले ये इवोकस कंपनी है, इवोकस कंपनी करके ब्लैक अल्कलाइन वाटर। आपने ये बॉटल काफ़ी प्लेयर्स के हाथ में देखा होगा, इंटरनेशनल प्लेयर्स के, इंक्लूडिंग विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, ऐसे काफ़ी जनों के हाथ में देखा होगा। और क्रिकेटर्स ही नहीं, इंटरनेशनल कई फुटबॉलर्स और अदर अदर कंट्री के जो अदर अदर स्पोर्ट्स के प्लेयर्स है वो भी ये पानी पीते हैं, ब्लैक वाटर। ये क्या रहता है एक्चुअल में ब्लैक वाटर? ये ब्लैक वाटर में जैसे कहा गया है कि ब्लैक अल्कलाइन वाटर एनरिच विथ 70+ मिनरल्स, 0 कैलोरीज। और ये इसकी प्राइस काफ़ी रूमर्स सुने हैं मैंने, काफ़ी बार इसके रूमर्स सुने कि 3,000 रुपये लीटर, 4,000 रुपये लीटर। तो सबसे पहले ये रूमर्स क्लियर करना चाहता हूँ गाइस कि ये मेरे हाथ में जो बॉटल है ये 500 ml है और 150 रुपये की है गाइस। ये मैंने दिल्ली एयरपोर्ट से ली है और ये काफ़ी जगह सुनने में आया था कि ये बहुत महंगी है। और जैसे ही मैंने दिल्ली एयरपोर्ट पर अभी देखा ये वाटर तो मैंने ख़रीद लिया, क्योंकि मेरे को इस पर रिव्यू भी बनाना था, इस पर आप तक पहुँचाना भी था और रूमर्स भी क्लियर करने थे कि ये इतना महंगा नहीं है। तो महंगा तो ज़रूर है, नॉर्मल वाटर से अपने से बहुत महंगा है, पर इतना महंगा नहीं है जितना रूमर्स कह रहे थे। तो आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो देखिए, इसके फ़ायदे बता देता हूँ गाइस कि इसके नेचुरल है, ये पूरा नेचुरल है, इसमें कोई एडेड, जैसे ब्लैक वाटर, जैसे आपको लग रहा होगा कि काला पानी है तो ब्लैक कुछ ऐड किया हुआ है, ऐसा नहीं है। नेचुरल जो इसके मिनरल्स है वो ब्लैक कलर की है, इस वजह से ये ब्लैक वाटर है। और इसमें इसके फ़ायदे क्या है? इनडाइजेशन, पीएच वैल्यू 8.5 से ज़्यादा है, 8.5 से ज़्यादा है, जो कि 7 से जो नेचुरल अपना बॉडी का पीएच वैल्यू रहता है वो 7 रहता है। और जो पानी का पीएच वैल्यू रहता है वो भी 7 के आसपास रहता है, पर आजकल सुनने में आया कि वो भी कम रहता है, काफ़ी बार उसकी पीएच वैल्यू कम रहती है। उस वजह से क्या होता है कि इनडाइजेशन होता है, अपनी बॉडी में नेचुरल जो डाइजेशन है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं होता है। तो इससे क्या होगा कि आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा, एसिडिटी का जिनको प्रॉब्लम है वो अच्छा होगा, डिटॉक्सिफिकेशन होगा, अपने बॉडी का नेचुरल वे में डिटॉक्स करता है ये। तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर ये सही में इसका फ़ायदा है। और ये फ़ायदा कब जान पाऊंगा गाइस? मेरे एकेडमी का जो टैगलाइन है वो है नॉलेज इज़ नोइंग इट एंड विजडम इज़ डूइंग इट। तो मैं इसमें विजडम नहीं रखता हूँ, क्योंकि मैं इतने दिन से इसको पी नहीं रहा हूँ, मैंने पिया नहीं है। ये इसके रिजल्ट्स अगर अचीव करने हैं तो वो कंटिन्यूसली मुझे रेगुलरली एटलीस्ट महीना भर तो भी पीना पड़ेगा, रेगुलर में 3-4 बॉटल रेगुलर में पीना पड़ेगा। उतना मैं अफोर्डेबिलिटी नहीं रखता हूँ। तो अगर आप स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो मैं डेफिनेटली, आप भेज दीजिए, हमारे मेरे लिए ही नहीं, हमारे एकेडमी के लड़कों के लिए भी भेज दीजिए और हम पी के आप तक डेफिनेटली वीडियो बनाएंगे। आप भी खुद पी के एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि ये सूटेबल है या नहीं है, जिनकी जैसे अफोर्डेबिलिटी है। तो गाइज़, ये सबसे पहले अब मैं देखता हूँ कि स्मेल कैसा करता है, टेस्ट कैसा करता है। मैं अनपैक करने वाला हूँ इसको, ये बहुत महंगी बॉटल है और ये दिल धड़क रहा है मेरा। और ये अब भी मैं इसको तोड़ दिया हूँ, स्मेल तो कुछ नहीं आ रहा है, नॉर्मल लग रहा है, जैसे पानी का नॉर्मल लगता है, नॉर्मल पानी जैसा पानी है गाइस, कोई भी डिफरेंट टेस्ट नहीं है, ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा अजीब लग रहा है, कड़वा लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल पानी है। और इसको ज़्यादा मैं अभी एक बॉटल में तो पता नहीं चलेगा गाइस, मैं रेगुलर में कोशिश करूँगा कि फ्यूचर में रेगुलर में पीने के बाद एक फिर से वीडियो बनाऊँ। और इसके डिटेल जानकारी के लिए मैं और एक बार वीडियो बनाऊँगा न्यूट्रिशनिस्ट के साथ में, तो वो और डिटेल में जानकारी दे पाएगा। इस रिगार्डिंग आपको जो भी क्वेश्चन है पूछ लीजिएगा इस, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो ये इसके साथ में न्यूट्रिशनिस्ट के साथ में रहेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़ जाइएगा इस एकेडमी में। आके जुड़ना चाहते हैं एकेडमी में आके जुड़ जाइए, प्रैक्टिस करना है चाहते हैं या आके मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आ जाइए गाइस। फिलहाल के लिए इतना ही, टिल द नेक्स्ट टाइम, लव यू ऑल।